गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एमसीक्यूज की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमी, सॉरी आज का जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी, और इकोनॉमी में जो हम देखने वाले हैं वो नेशनल इनकम देखने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने इकोनॉमी की सीरीज देखी हो तो उसमें हमने मनी और इन्फ्लेशन को कवर किया है। ये इकोनॉमी सीरीज का सेकेंड पार्ट है, आई मीन ये सेकेंड क्लास है। इकोनॉमी को हम पूरा कवर करेंगे, बेसिकली 7 या 8 ही लेक्चर होगा और 7-8 क्लासेस में देखेंगे कि आपकी इकोनॉमी एक एक पार्ट करके कवर कर दी गई है। एक पार्ट में हमने एक क्लासेस को लिया है और एक क्लासेस में हमारी ये पूरी कोशिश रही है कि हम 15 से 20 मिनट की क्लासेस लें और आपकी पूरी टॉपिक को कवर कर दिया जाए। यही चीज़ हम इकोनॉमी में कर रहे हैं। इकोनॉमी के साथ ही साथ में यही चीज़ पॉलिटी, और पॉलिटी के साथ यही चीज़ आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर भी मैं कर रहा हूँ। सो ये क्लास डेली 30 दिन तक आपको प्रोवाइड होंगी और डेली 3 क्लासेस आपको मिलेंगी। वो सब्जेक्ट वाइज होगा और सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज होगा, ठीक है। सो विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इकोनॉमी में आपके सामने है नेशनल इनकम का। आपका क्वेश्चन है कि जीडीपी की गणना कौन करता है, जीडीपी की गणना कौन करता है। आपका ऑप्शन है सीएसओ, आपका ऑप्शन है सीएसओ, वित्त मंत्रालय, एनएसएसओ या एनएसओ। देखिए जीडीपी की गणना कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही और बहुत आसान भी है। इजीली आप कह देंगे कि जीडीपी की गणना एनएसओ करता है, ठीक। आप ये भी कहेंगे कि साहब पहले तो सीएसओ करता था, अब एनएसओ कर रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ जीडीपी की गणना कौन करता है ये जानना जितना महत्वपूर्ण है, उतना जानना आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि जीडीपी कहते किसको है, ठीक है। अगर आप कंपटेटिव हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी कहते किसे हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि जीडीपी कहते हैं किसे कहते हैं। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जो मैं लिख रहा हूं यही इसकी डिफिनीशन है। जीडीपी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी में कहते किसको है, एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, ठीक। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। अगर मैं वित्तीय वर्ष की बात करूं तो जो हमारे यहां अभी एक वित्तीय वर्ष लागू होता है ये 1 अप्रैल से 30 मार्च काउंट किया जाता है। घरेलू सीमा क्या है और भौगोलिक सीमा क्या है ये चीज़ें बताने का यहाँ टाइम नहीं है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम, मतलब ये एक तरीके का शॉर्ट लेक्चर है। ये आपका एमसीक्यूज़ है और एमसीक्यूज़ में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक चीज़ों को हम डिस्क्राइब करें। बट उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने मेरी इकोनॉमी की क्लास ली है और मेरी भले ही नहीं ली है, किसी और भी मास्टर या टीचर की ली है, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि घरेलू सीमा और भौगोलिक सीमा में क्या डिफरेंस होता है। सो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको पता है कि घरेलू सीमा और भौगोलिक सीमा में अंतर क्या है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि उस जीडीपी कहते किसे हैं। जीडीपी की मैं गणना की बात करूं तो एनएसओ करता है। आपको पता है कि जीडीपी की गणना पहले सीएसओ करता था। अगर मैं सीएसओ की बात करूं तो सीएसओ 1951, और वहीं पे अगर मैं एनएसएसओ की बात करूं तो 1950 में इसका किया गया है, और इन दोनों को मर्ज किया गया है 2019 में। किस में किया गया है, एनएसओ में। और एनएसओ किसके अंतर्गत आती है, मौसपी के अंतर्गत, ठीक। एनएसओ आती है आपकी मौसपी के अंदर। सो ये चीजें आपको क्लियर है कि 2019 से जो अभी गणना हो रही है वो एनएसओ कर रहा है। सो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, एनएसओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जीडीपी का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। बिल्कुल सही है। सही का मतलब यह है कि अगर आपने देख लिया कि जीडीपी किसे कहते हैं, जीडीपी की गणना कौन करता है, तो यह भी जानना जरूरी है कि किस आधार का प्रयोग किया जाता है जीडीपी की गणना के लिए। अगर मैं वहीं पे बात करूं, आपका ऑप्शन है, पहला है सीपीआई, आधार वर्ष मूल्य पर, डब्ल्यूपीआई और चालू वर्ष मूल्य पर। अगर मैं सीपीआई की बात करूं और डब्ल्यूपीआई की बात करूं
तो इन दोनों का जो डेटा है ये मुद्रा स्फीति के गणना में किया जाता है। ठीक, मुद्रा स्फीति की गणना के लिए हमारे यहाँ दो सूचकांक हैं, एक है WPI और दूसरा है CPI। हालांकि कल हमने देखा है कि WPI और CPI क्या होता है, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ। अगर मैं CPI की बात करूँ, ठीक, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका जो आधार वर्ष है CPI का, ये इंपॉर्टेंट है, आधार वर्ष है 2012। ठीक, CPI में अगर मैं बात करूं तो इसमें वस्तु एवं सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो एक इसमें डेटा है, इसके जो गणना करने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है CPI है रूलर प्लस अर्बन, इन दोनों का रेशियो निकाल के गणना किया जाता है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं CPI की, तो CPI में एक ऑप्शन, एक चीज़ आपको सूचकांक और मिलेगा CPI IW। CPI IW को बोलते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर, और CPI IW के आधार पर ही सरकार आपकी महंगाई भत्ता को निर्धारित करती है। ठीक है, अगर मैं वहीं पर WPI की बात करूँ, WPI का मतलब होता है उपभोक्ता, सॉरी थोक मूल्य सूचकांक, होल प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि पहले जो हमारे इन्फ्लेशन की गणना होती थी वो WPI पे होता था, लेकिन 2016 के बाद में WPI के स्थान पे CPI का प्रयोग किया गया, क्योंकि WPI में सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जा रहा था, लेकिन CPI में आप देखेंगे तो वस्तु एवं सेवाओं दोनों को शामिल किया गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ WPI की, तो WPI जहाँ थोक मूल्य पे आधारित है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ CPI पे, तो ये उपभोक्ता मूल्य पर आधारित है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, तो और सबसे इसमें से जो डेटा WPI का था, चूँकि हम दैनिक जीवन में CPI का प्रयोग करते हैं, यानी थोक मूल्य पर ना करने के बजाय उपभोक्ता मूल्य पर करते हैं, तो सरकार को इन्फ्लेशन की जो गणना की जाती थी उतना बेहतर डेटा नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसके साथ मैं बात करूं अगर GDP की, तो GDP एक है आधार वर्ष और एक है चालू वर्ष। क्या होता है हम ये देख लेते हैं। GDP की गणना हमारे यहाँ दो आधारों पर की जाती है, मैं इसे साइड में कर रहा हूँ। ठीक, अगर मैं GDP की गणना की बात करूं, तो एक है चालू और एक है स्थिर, चालू मूल्य पर और एक है स्थिर मूल्य पर। ठीक, अगर मैं स्थिर मूल्य पर बात करूं, तो स्थिर मूल्य का जो अभी हमारे यहां आधार वर्ष है, आधार वर्ष ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2011-12। आधार वर्ष की अगर मैं स्थिर मूल्य पर बात करूं, तो स्थिर मूल्य के पर जब हम GDP की गणना करते हैं, तो इसमें हम मुद्रा स्फीति के प्रभाव को शामिल नहीं करते, मुद्रा स्फीति के प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता है। जब हम GDP में मुद्रा स्फीति के प्रभाव को शामिल नहीं करते, तो इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। अगर मैं वहीं पे चालू मूल्य की बात करूं, तो चालू मूल्य यानी मैं ये वर्तमान जो आपका वर्तमान सेशन चल रहा होता है, इस आधार पर GDP की गणना की जाती है, और इसमें मुद्रा स्फीति के प्रभाव को शामिल किया जाता है। मुद्रा स्फीति के प्रभाव को अगर शामिल किया जाता है, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल GDP, और नॉमिनल GDP के आधार पर भारत विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर मैं PPP के आधार पर बात करूं, तो भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल GDP क्या है और PPP और PPP मॉडल क्या है, अगर इससे पहले आपने क्लासेस ली हैं तो ये आपको पता होगा, और नहीं भी ली है तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पेड कोर्स में अगर मेरी ही इकोनॉमी की क्लास ली है, तो यकीनन कि आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे नेशनल इनकम में मैं बेसिकली आपको 3 या 4 क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ 15 से 20 मिनट में। और अगर आपने नेशनल इनकम की मेरी क्लास ली होगी पेड में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि प्रॉपर मैंने नेशनल इनकम पर आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम दिया है, पूरा का एक लेक्चर ही नेशनल इनकम पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो अभी आप अगर देखेंगे जो हमारे यहाँ GDP का गणना किया जाता है, ये आधार मूल्य पर किया जाता है। मैं इन सब को रफ करता हूं, हमारे आधार पर किया जाता है, और हमारे जो GDP की गणना है, मैंने आपको बताया कि अब NSO करता है। ठीक, और NSO किसके अंतर्गत आती है, ये आती है MOSPI। डेटा जो रिलीज करता है, डेटा को कलेक्ट करने का काम MOSPI करता है, और रिपोर्ट को रिलीज करने का काम NSO करता है। ये साल में 3 बार किया जाता है, साल में 3 बार डेटा को रिलीज किया जाता है।
सो ये चीजें हमने देख लिया, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, आधार वर्ष क्या होता है और चालू वित्त चालू वर्ष पे क्या होता है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमने देखा ये क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जीएनपी की गणना की जाती है। अब अगर हमने जीडीपी देखा है, जीएनपी गणना देखा है, जीडीपी की गणना भी देखा है, तो हमारे सामने एक और वर्ड निकल के आता है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। जीएनपी, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं आपको सीधा बताता हूं कि जीएनपी की जो गणना होती है, जब आप जीडीपी में से एक्स माइनस एम करते हैं, जीएनपी कहते किसको है वो भी हम अभी देख लेंगे, बट ये फॉर्मूला क्या कहता है ये आप एक बार देख लीजिए। ठीक, ये फॉर्मूला कहता है कि जीडीपी में एक्स बराबर है कि देश में आया हुआ पैसा और यम बराबर देश के बाहर गया पैसा। ठीक, एक्स का मतलब है कि विदेशों से भारत में कितना पैसा आया और एम का मतलब है कि भारत से विदेश में कितना पैसा गया। इन दोनों के अंतर को अगर हम जीडीपी में ऐड कर लें तो हमारा निकल के आ जाता है जीएनपी, और जीएनपी को बोलते हैं ग्रॉस नेट प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है ये देख लेते हैं। घरेलू में से जब हम x माइनस एम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारी देश की जीडीपी है 100, ठीक, और भारत विदेशों से भारत में पैसा आया है 10 और भारत से गया है 15, तो आप देखेंगे जो रिजल्ट आता है वो आता है 95। मतलब जो ये वाला हिस्सा है ये आपके देश के आयात को से संबंधित है। मतलब अगर आपका आयात ज्यादा है, अगर आपका आयात कम है और आपका निर्यात ज्यादा है, ठीक, आप देखेंगे कि देश में आपके पैसे तो कम आ रहे हैं लेकिन आपके देश से पैसे ज्यादा जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो आपकी जीडीपी होगी वो जीएनपी से कम होगी। मतलब आपकी जीडीपी जीएनपी ये ज्यादा, आपकी जीएनपी कम होगी और आपकी जीडीपी ज्यादा होगी। ये केस हमारे यहाँ इंडिया में है, ये केस इंडिया में है। अगर किसी भी देश का निर्यात कम है और आयात ज्यादा है तो उस देश का जीएनपी कम होगा, जीडीपी ज्यादा होगा। अगर मैं वही चाइना के रेफरेंस में बात करूं तो चाइना का निर्यात ज्यादा है, आयात कम है, तो चाइना का जीडीपी कम है, उसकी जीएनपी अधिक है। और अगर किसी देश का आयात और निर्यात बराबर है, मतलब अगर कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो उस देश का जो जीडीपी और जीएनपी होगा वो बराबर होगा। आप एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो आप नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं। ठीक है, अब जीएनपी कहते किसको है ये एक बार देख लेते हैं। एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, उस देश की जीएनपी कहलाती है। जीएनपी में एक बात ध्यान रखिएगा कि जीएनपी में ये मैटर नहीं करता है कि आप उत्पादन कहाँ कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि उत्पादन कौन कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमने कोई घरेलू सीमा या भौगोलिक सीमा का वर्ड यूज नहीं किया है, हमने कहा है कि देश के नागरिक के द्वारा। मतलब मैटर ये करता है कि उत्पादन कौन कर रहा है, देसी कर रहे हैं या विदेशी कर रहे हैं। अगर देसी कर रहे हैं तो वो भारत के जीएनपी में शामिल होता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे फॉर्मूला यही कहता है कि विदेशों में भी अगर कोई भारतीय कार्यरत है, जैसे भारत के लोग अगर गल्फ कंट्रीज में हैं तो वहां से जो भारत को पैसा भेजते हैं वो, और हमारे भारत से जो पैसा जाता है विदेशों में, इनके अगर मैं माइनस कर लूं और जो भी हमारा रिजल्ट है अगर मैं उस जीडीपी में ऐड कर दूं तो हमारा जीएनपी निकल के आ जाता है। ठीक है, सो हमारा जो इसका आंसर होगा, जब हम जीडीपी एक्स माइनस एम, डी इज द राइट ऑप्शन।
इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया है कि किसी भी देश के जीएनपी में जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम करते हैं। एक्स माइनस एम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है एनएनपी क्या होता है ये भी आप एक बार देख लीजिए। एनएनपी का सीधा सा मतलब है कि एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जब आप जीएनपी से क्या माइनस कर देते हैं ह्रास मूल्य। सिंपल सा है, टेंशन नहीं लेना इसमें, बहुत इजी लॉजिक है। देखिए जीएनपी का मतलब आपको पता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और ये है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल का मतलब होता है कुल आपने अपने देश में कितना बनाया। जैसे ये पेन आपने अपने देश में बनाया है 100 पेन, अगर आपने 100 पेन बनाया है तो ये है आपकी जीएनपी। क्या है, अगर आपने 100 पेन बनाया तो ये हो गई आपकी जीएनपी। लेकिन इस पेन को बनाने के बाद में कुछ पेन टूट भी तो गए होंगे, कुछ पेन टूट गए होंगे। टूटने के बाद में हो सकता है कि इस पेन को बनाने में आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया है उसमें कुछ घिसावट आई होगी, जो आपने टेक्नोलॉजी यूज़ किया है उसमें भी कुछ कमियां आई होंगी, या आप और अपग्रेड अपने आप को करना चाहते हैं, मशीनों की घिसावट है। तो इन सब के में जो इसका ह्रास मूल्य होता है, मतलब जो कमियां आती हैं, अगर आप उसे माइनस कर दीजिए अपने कुल उत्पाद से यानी कुल उत्पादन से, तो आपका निवल आ जाएगा। मतलब आपने 100 पेन बनाया, 10 पेन आपका ह्रास हो गया, बचा कितना 90, तो 90 आपका क्या हो गया एनएनपी। ठीक, और आप देखेंगे यही आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। और जो एनएनपी अभी मैं निकाल रहा हूँ ना, ये एनएनपी मैं निकाल रहा हूँ मार्केट प्राइस पर, एनएनपी निकाल रहा हूँ मैं मार्केट प्राइस पर। ठीक है, अगर यही आप फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, आई मीन फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, इसे हम एफपी लिखते हैं। ठीक है, अगर आप फैक्टर कॉस्ट करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, सीधा सा मतलब है कि जो आपकी एनएनपी है, ठीक, एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस क्या, माइनस आप कर दीजिए सब्सिडी, सॉरी प्लस कर दीजिए सब्सिडी और माइनस कर दीजिए टैक्स, तो ये आपका निकल के आता है फैक्टर कॉस्ट। यही चीज जीएनपी में, जीडीपी में भी है, यही चीज जीएनपी में। अगर आपको जीएनपी भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, तो आप उसमें से सब्सिडी को ऐड कर लीजिए और टैक्स को माइनस कर दीजिए, तो आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे निकल आएगा। तो जो आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है, यही आपका कहलाता है नेशनल इनकम। ठीक है, सो यहां पे जो आपका है एनएनपी की गणना की जाती है, तो एनएनपी में सीधा सा है कि आप जीएनपी माइनस ह्रास मूल्य कर दीजिए, एनएनपी जीएनपी माइनस ह्रास मूल्य, ये है आपका राइट ऑप्शन। ये भी रॉन्ग। सो मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि जीएनपी क्या होता है, एनएनपी को कैसे निकालते हैं, ह्रास मूल्य क्या होता है, इसके साथ ही में मैंने आपको एनएनपी मार्केट प्राइस और एनएनपी मार्केट प्राइस के साथ हमने फैक्टर कॉस्ट भी बता दिया, और ये भी हमने आपको बता दिया कि नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय की गणना जब भी किया जाता है तो एनएनपी मार्केट प्राइस के स्थान पे फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है। और जो आपकी ये नेशनल इनकम होती है, अगर नेशनल इनकम को आप देश की जनसंख्या से भाग कर दें, किससे, देश की जनसंख्या से आपको भाग कर दें, तो ये आपका निकल के आता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक, उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि मुझे यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। सो एक मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं, इस पे मैं आपको चार चीजें बताता हूं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। मैं सिर्फ बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ। जीडीपी का मतलब है किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश के जीडीपी कहलाता है। ठीक है, जीडीपी की गणना एनएसओ करती है, और आधार, अगर आधार वर्ष पर किया जाए, जो हमारा आधार वर्ष है जीडीपी की गणना का 2011-12 है, आधार वर्ष पर अगर मैं बात करूँ तो आधार वर्ष में
इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया जाता है, अगर इन्फ्लेशन को ऐड ना किया जाए तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं, और अगर चालू वर्ष पे मैं बात करूं तो चालू वर्ष में हम इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, जब इन्फ्लेशन को हम ऐड करते हैं तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं एनएनपी की बात करूं तो जीएनपी की मैं बात करूं तो आप जीडीपी में कर देते हैं एक्स माइनस एम, तो आपका जीएनपी निकल के आता है, और अगर मैं वहीं पे एनएनपी की बात करूं तो जब आप जीएनपी में से ह्रास मूल्य माइनस करते हैं तो आपका निकल के आ जाता है एनएनपी, और जब आप एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप एनएनपी मार्केट प्राइस से आप क्या करते हैं कि सब्सिडी को ऐड कर लेते हैं और टैक्स को आप माइनस करते हैं। जब आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है तो ये आपका नेशनल इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। और नेशनल इनकम को जब आप देश की जनसंख्या से भाग देते हैं तो निकल के आपका आता है प्रति व्यक्ति आय। बस नेशनल इनकम में इतना ही खेल है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये आपका नेशनल इनकम है, ये इकोनॉमी का सेशन नंबर 2 है। फर्स्ट सेशन में हमने मनी एंड इन्फ्लेशन को देखा है, और सेकंड सेशन में हमने देखा है अपना नेशनल इनकम को, एंड जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी हम इकोनॉमी के में किसी पार्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल। जय हिंद।